हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई को आज टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट का एग्ज़ाम था, तो जो सारे क्वेश्चन आज पूछे गए उन सभी के आंसर्स के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी का जवाब पता हो तो बताते रहिएगा, वरना आप अपना क्वेश्चन पेपर इस पेपर के साथ मैच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके इसके अंदर कितने मार्क्स बचे। पहला क्वेश्चन था, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मॉडरेटर। क्वेश्चन नंबर टू, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस का क्या नाम है? तो वो है एसिटिलीन। क्या है? एसिटाइलीन। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये है रेडियो एक्टिविटी की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस? मैराथन दौड़ की पूरी दूरी कितनी होती है? ये होती है 42 किलोमीटर। सोर्स ऑफ रिवर नाइल, रिवर नाइल का स्रोत क्या है? लेक विक्टोरिया। उष्णकटिबंधीय जंगल वर्षा के गुण क्या है? यहाँ पर अधिकतम जैव विविधता होती है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर अधिकतम जैव विविधता होती है। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो थी बछेंद्री पाल। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों को ना कराया हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखा है जो दो देशों के बीच को अलग करने वाली नहीं है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन, क्योंकि ये समय को अलग करती है, दो देशों को नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयल रिच कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और तेल धनी देश कौन सा है? वो है नाइजीरिया। अलनीनो क्या है? एक गर्म महासागरीय धारा है अलनीनो। क्वेश्चन नंबर 11, पैसिफिक समुद्र का द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे टू द पैसिफिक, उसे बोला जाता है पनामा कैनाल को, पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, यह घोषणा की कि लोकतंत्र की सरकार लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई है, किसने की थी? अब्राहम लिंकन ने। जोग फॉल्स कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। 14वां क्वेश्चन, किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? नेपाल की भी लगती है, म्यांमार की भी, भूटान की, लेकिन मंगोलिया की नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप है? वो है नारकोंडम और बैरन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आए तो बताइएगा और आपके मार्क्स कितने बने ये भी बताइएगा। तूफान वायु, अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स याद है, दो दिन पहले ही तूफान वायु के बारे में बताया था, कहाँ पर आया था? गुजरात की साइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड, अरब सागर से शुरू हुआ और इसको जो नाम है वो भारत ने दिया था। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका खेल है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र में किसकी परिभाषा एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है? यह है एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर तैयार किए गए सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य है, तो यह है GDP। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का उदाहरण है? तो LIC जो है वो गैर बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 20, बाजार में मुद्रा को निकालने और देखरेख करने के लिए एक प्रणाली कौन सी है? अस्थायी आरक्षित अनुपात। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फोर्स कमांडर ऑफ UN पीसकीपिंग फोर्स इन साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, तो अभी इसका उद्घाटन किया गया था मोदी जी द्वारा, बोगीबील पुल, यह है सबसे लंबा रेल सहित रोल पुल का नाम। करतार साहिब कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारा को भारत के डेरा बाबा नामक धर्म स्थल से जोड़ता है, जो किस जिले में स्थित है? गुरदासपुर। अगला क्वेश्चन, विच एक्टिविटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज मेंटल डिसऑर्डर बाई WHO, किस क्रिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानसिक विकार घोषित किया गया है? तो ये किया गया मोबाइल पर ज़्यादा गेम खेलना। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई नियंत्रित हथियार प्रणाली Agni-5 ऑटोमेटिक रिएक्टर में यूरेनियम आइसोटोप का कौन सा प्रयोग होता है? यूरेनियम 235 का। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाई बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया आपको याद होगा, तो इकोसिस्टम में नाइट्रोजन किसके द्वारा प्रवाहित की जाती है? बैक्टीरिया द्वारा। परम जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है कहाँ पर स्थित है? पुणे के अंदर। पोलियो वैक्सीन, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन सॉलक ने। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एंडोस्कोपी के अंदर। कहाँ पर? एंडोस्कोपी। तो आप देख सकते हैं एक भी क्वेश्चन जो मैंने आपको रोज़ कराता हूँ मैं, उससे बाहर नहीं है, और ये लेफ्टिनेंट का पेपर है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो लाइटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हल्की होती है।
पार्टीशन ऑफ बंगाल वाद, जो बंगाल का बंटवारा हुआ था किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसका खत्म किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ये, चौसा के बैटल में हुमायूं को किसने हराया था, वो हराया था शेरशाह सूरी द्वारा। पतंजलि किसके लिए जाना जाता है, योग सूत्र के द्वारा, योग सूत्र के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। मोस्ट रेफर्ड गॉड इन ऋग्वेद, किस देव के बारे में ऋग्वेद सबसे ज़्यादा बताता है, तो वो है इंद्र के बारे में। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स वर डिवाइडेड, रेडिकल्स और मॉडरेट्स किस वर्ष विभाजित हुए थे, 1907 के अंदर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, और जो पहले से जुड़े हुए हैं और रोज़ मेरे टेस्ट सीरीज देखते हैं, एक बार बताइए क्या आपको लगा एक भी क्वेश्चन बाहर आया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो पहले से जुड़े हुए हैं, क्या आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो आपको ना आता हो और आपने ना पढ़ा हो। सक्सेसर ऑफ गुरु नानक, गुरु अंगद देव, कौन थे, गुरु अंगद देव। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र, बंगाल गजट। हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, कौन है, सुप्रीम कोर्ट। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, राज्य सरकार के कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं, गवर्नर। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू सरकार की आय और खर्च से संबंधित नीति होती है, राजकोषीय नीति संबंधित किससे है, सरकार की आय और राजकोषीय नीति से संबंधित। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, मिस रोजनी नायडू। एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कॉन्क्रेंट सब्जेक्ट्स रिमेन विद, कार्यकारी शक्ति विभिन्न विषयों पर किसके पास रहती है, सेंटर के पास। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ, निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव नहीं करवाता, लोकल बॉडीज, जो स्थानीय निकाय हैं उसके लिए नहीं करवाता। फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाई द प्रेजिडेंट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आयोग संस्थापित कितने साल के अंतराल पर किया जाता है, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान मिला, आइसलैंड को, किसे, आइसलैंड को। हाउ मैनी टीम्स आर आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीम खेली, मैंने वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारी चीज़ आपको करा दी थी, 10। 17 छक्के एक मैच में मारने वाला खिलाड़ी कौन था, मॉर्गन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, फेसबुक ने जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया उसका नाम क्या है, लिब्रा। तो गाइज ये 50 क्वेश्चन जीके के टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट एग्जाम में पूछे गए, आपको कितने आते थे बताइएगा, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बताइएगा आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा जो आपको ना कराया गया हो। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपको अपना बेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, और आगे के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के सोल्ड पेपर्स के लिए जो कि मैथ्स और रीजनिंग है वो आपको मैं कल तक प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना रहा, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना स्कोर। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।